never look back. So, क्या आपकी GF है? नई बाइक कब ले रहे हो भाई? बाइक एवरेज क्या देती है? अर्निंग कहाँ से करते हो? डेली वीडियो क्यों नहीं डालते? So hey guys, hello everyone, how are you all? I hope you all are doing absolutely fine in your life. Let's start today's video. स्वागत है मेरे चैनल पे. मेरा नाम है सुभांशु, मैं रहता हूँ दिल्ली में. मेरे चैनल का नाम है राइडर सोल. सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में. ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, सब्सक्राइबर्स के लिए है, जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं. अगर अब तक नहीं किया तो भाई आईडी दिला रही है, जाके कर लो. कैमरे ने फोकस शायद ले लिया, नहीं लिया मुझे नहीं पता. रीशूट नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी सारे रीजन हैं उसके पीछे. और ये भी टाइम है कुरान का, एक्चुअली कुरान या नमाज जो भी हो रही है, सॉरी उसके लिए. इधर से आवाज़ आ रही है, इधर गूंज रही है. एक सेकंड पहले बंद हुई है, अगर दोबारा स्टार्ट हो जाए तो सॉरी उस चीज़ के लिए. लेकिन बहुत अच्छा टाइम है ये. सो दुआ करो आप लोग भी, मैं भी करूँगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड फ़ोन निकालते हैं, देखते हैं टाइम क्या हो रहा है. इट्स 7:20. सर खुल जाओ सर, क्यों परेशान करते हो. सो इट्स 7:20 इन द इवनिंग. अंधेरा होने वाला है, उससे पहले ये वीडियो शूट कर लेते हैं और कल सुबह डाल देते हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. रपीट पीछे बुराई करना ना, तो एक बात कहनी है, लगे रो भोला रखे जाओ गिर गला यार सारे शेर छोरा किसे देना डरदायो. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने भाई की तरफ से, द 220 लवर, दैट इज टॉप स्पीड ऑन अपाचे. माई टॉप स्पीड ऑन अपाचे इज 156 किलोमीटर पर आवर, लेकिन शायद 160 उसमें रिकॉर्ड हो चुकी है. वो मेरे एक दूसरे भाई ने चलाई थी, तो 160 मेरी बाइक में रिकॉर्डेड है. अब मेरे को नहीं पता कैसे है, कैसे चलाई, लेकिन मेरी जो स्पीड है टॉप स्पीड वो है 156 किलोमीटर पर आवर. आप इतनी हाई ना चलाएं प्लीज़, बी सेफ. मैंने फुल राइडिंग गियर्स पहन के चलाई थी बाइक, जल्दी वीडियो भी शूट करेंगे उस पर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाविक डॉट कटारिया की तरफ से, विल यू अपग्रेड योर बाइक, इफ़ यस देन विच. सो आई एल अपग्रेड माई बाइक बाई एंड ऑफ दिस ईयर और मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर. सो मैं जाऊँगा 400 cc सेगमेंट पे. मे बी वो ड्यूक 390 हो, मे बी वो डोमिनार हो, हिमालयन 400 हो, यामा R3 हो, निंजा 300 हो या निंजा 400 हो, ये चार पांच ऑप्शन रहेंगे मेरे पास. लेकिन अगर मैं नेक्स्ट ईयर एंड तक रुक गया, सो मैं जाऊँगा एक सुपर बाइक पे. वो कोई भी हो सकती है, शायद 1,00,000 से 6,00,000, 8,00,000, 12,00,000, 15,00,000, जो भी बजट हुआ उस टाइम. बस दुआ आप लोगों की रहेगी कि अच्छी से अच्छी बाइक लूँ, चाहे वो अभी ले लूँ चाहे बाद में लूँ. जो भी बाइक आए अपने हाथ में अच्छी आए. अपाचे 200 अभी अपनी बाइक बहुत अच्छी है, थैंक्स टू TVS इतनी अच्छी सर्विसेज के लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी इंसिडेंट दैट हैव इंस्पायर्ड यू. हाँ भाई, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ. काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये बात किसी और वीडियो में करेंगे फुल्ली एक स्टेटमेंट के साथ. और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आप सिंगल हो, पर्सनल लाइफ सॉरी भाई, आप कोई बढ़िया सी बाइक लो नहीं, दैट इज़ फ्रॉम इट्स _ गर्वित _ ठाकुर. सो नेक्स्ट बाइक लोन नहीं भाई. अपाचे 200 मेरी बहुत अच्छी बाइक है मेरे लिए, तो फिलहाल तक जब तक वो चल रही है मैंने एक साल में 30,000 किलोमीटर चला दिए है. सिर्फ एक दो इशू आए हैं बाइक में, लाइक मैंने क्लच प्लेट एक बार चेंज करवाई, वो भी क्लच असेंबली करवाई थी, क्लच प्लेट नहीं, वो मेरी गलती थी, मैंने बाइक के सर्विस टाइम पे नहीं करवाई थी. सो अपनी बाइक की केयर करो, सर्विस टाइम टू टाइम करवाओ, बाइक आपकी 1,00,000 किलोमीटर तक भी अच्छी बनी रहेगी. उसके बाद लॉन्ग टूरिंग्स पर खतरनाक हो जाती है, लेकिन मज़ा बहुत आता है भाई अपनी बाइक के साथ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सागर NJR की तरफ से है, क्या तुम इस साल लद्दाख जाओगे. मैं इस साल लद्दाख नहीं जाऊंगा, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ऋषभ राजन, ड्रीम बाइक एंड ड्रीम राइड. माय ड्रीम बाइक इज सुजुकी GSX 1000R दैट कॉस्ट 18,00,000 रुपीज़. मे बी शायद नेक्स्ट ईयर एंड तक अगर मैं गया तो उसी बाइक पे पहला चांस होगा, या फिर बैनली 600 आए. ड्रीम राइड पाकिस्तान, भाई टॉप स्पीड कितना है आपकी RTR का, बता दिया 156. द्वारका फोटोशूट, दिल्ली वाले चाचा जान को कांटेक्ट करो भाई, ये बाइक किसकी है. RTR 200 मुझे पता है, ब्लैक वाली बाइक के बारे में बात करो, वो थी मेरे एक भैया की. रात में 11:30 बजे भैया ने मुझे ऐसी बाइक पकड़ा दी, ले भाई ले जा. और नेक्स्ट वीडियो ट्राई करेंगे जल्दी किसी वीडियो में भैया के साथ आने की और बातें करने की. भाई फरीदाबाद कब मिल रहे हो, फरीदाबाद आप बताओ कब बुला रहे हो. हाँ एक सब्सक्राइबर है, शी इज़ अ गर्ल, खुशी 0611. रोलिंग बर्न आउट मारेंगे अपने. ऋषि भाई जल्दी आओ और रोलिंग बर्न आउट मारेंगे मेरी बाइक पे. डेली वीडियो डाल, नहीं डालूंगा बिकॉज आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर. हीरो एक्सपल्स कैसी बाइक है, क्या टेस्ट राइड ली जाए, आप सजेशन करो कमेंट करके. दीपक MRD बिग फैन ब्रो. MRD क्यों मजाक उड़ा रहा है भाई, 40,000 है तेरे. Planning to buy a new bike, if yes so which one.
मे बी डोमना 400 R3 वाला ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन जो था आप देख सकते हो. व्हेन यू आर कमिंग टू नेपाल एंड विल डू अ स्मॉल मीटअप हेयर. स्मॉल मीटअप तो कभी भी हम मिल लो यार, कोई दिक्कत नहीं. इंडिया हो मैं नेपाल हूँ, कभी मिलेंगे. लेकिन नेपाल राइड मे बी नेक्स्ट ईयर, मेरी ड्रीम राइड के बाद. भाई वेस्ट बंगाल कब आ रहे हो? फिलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है, शायद ट्रेन से आऊँ आर्यन के साथ, बिकॉज आर्यन आते जाते रहते हैं कलकत्ता. हाँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, राघव ने लाइव में कुत्ता बोला एंड भाई आपको जवाब नहीं देंगे क्या? लव यू भाई, थैंक यू वेरी मच. और राघव ने जो कुत्ता बोला वो तो भाई पब्लिकली कुत्ता हूँ, तो जब मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगा, काटूँगा, इंजेक्शन भी लगवाऊँगा जब मन होगा तब. और देसी भाई के ब्लॉग्स कोलैब विद मी, लास्ट वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो भी होने वाली है. भाई वोट किसको दिया? नमो नमो. वॉट इज स्टोरी बिहाइंड ब्लैक अपाचे? ब्लैक अपाचे एक स्पेशल वीडियो आएगी भैया के साथ. एक्चुअली उस बाइक की अभी कंडीशन ख़राब है, मैं इमरजेंसी में लेके आया था उस बाइक को, तो ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. डू यू रिमेंबर मी? आई मीट यू आई किड इन येलो टी शर्ट, आई लव योर वीडियोज़. हाँ जी सर, आप अपने पापा के साथ थे बुलेट पे, येलो टी शर्ट, MBS मॉल याद है मेरे को. शादी कब कर रहे हो? पता नहीं भाई, आप कोलैब की वीडियो के लिए दूसरे यूट्यूबर से पैसे तो नहीं लोगे? नहीं भाई, आई विल नॉट चार्ज. लद्दाख कब तक करोगे? आपके साथ ही करेंगे स्टैंडर्ड राइडर. व्हेन यू आर बाइंग न्यू बाइक? ऑलरेडी बता दिया. ओल्ड ड्यूक लेने का बहुत मन है, लेकिन वो बाइक हीट करती है, सेकेंड हैंड शायद ना लूँ. व्हेन यू आर बाइंग न्यू बाइक? ऑलरेडी बता दिया, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस रिगार्डिंग. भाई न्यू मॉर्निंग, अरे गुड मॉर्निंग, ठीक है. मीटअप सून, मे बी 20 के बाद. भाई बेलगाम कब आ रहे हो? यार बेलगाम का मैंने नाम बहुत ज़्यादा सुना है. बेलगाम कहाँ पे है? शायद महाराष्ट्र है, मे बी, सॉरी अगर गलत हूँ तो. लेकिन सून क्वेश्चंस ओवर. कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से भी हैं आप लोगों के लिए, लाइक जो इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज आते हैं. भाई डेली वीडियोज़ क्यों नहीं डालता? उसके लिए एक रीज़न है, आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर. ओके, और जो लोग पिंग करते रहते हैं कि भाई डाला कर, हम डालते हैं. भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपने चैनल पे डाल रहे हो. अगर आप डेली वीडियोज़ डाल रहे हो, डेली एडिटिंग कर रहे हो, डेली उसको अपलोड कर रहे हो, डेली लाइक सब्सक्राइब शेयर इकट्ठा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है. लेकिन वो आप अपने चैनल के लिए कर रहे हो, प्लीज़ उस बात के लिए किसी और को पिंग आउट ना करें. 5 मिनट 6 मिनट 6 मिनट 1 सेकंड की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा. बिकॉज टेरिस पे हूँ, अंधेरा हो गया है, पीछे गोल्डन आर्स चल रहे हैं, इधर टेक ऑफ कुछ नहीं हो रहा आज यहाँ पे, साला वेला हूँ मैं, ठीक है. सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं. अभी देसी बॉयज़ के व्लॉग्स भैया आ रहे हैं, शायद आर्यन और हर्ष भी जाए मेरे साथ, और देखते हैं. नाइट आउट का प्लान तो है कुछ द्वारका के लिए. लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आ रही है, जाके देख लेना, ठीक है. लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो आपको मन हो वो करो ना करो, ठीक है. सो अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो. बाय गाइस, लव यू ऑल. रपीट पीछे बुराई करने वाला तो एक बात कहनी है, लगे रो भोला राखे जाओ मेरे गला यार सारे शेर छोरा किसे देना.